नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शहर के सराफा बाजार में डकैती डालने की योजना बना रहे 6 बदमाशों को कोतवाली पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पिस्तौल और कट्टा सहित जिंदा राउंड और धारदार हथियारों के साथ चोरी के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। सोमवार की देर रात टीआई शर्मा को बदमाशों के इकट्ठा होने और वारदात की योजना बनाने की सूचना मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस दल को 3 टीमों में बांटकर स्वयं के नेतृत्व में कोतवाली से रवाना हुए थे। पुलिस दल की टीमें सुरक्षा के इंतजामों के साथ बताए गए स्थल पुराने कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे वेयर हाउस के सुनसान इलाके में डकैती की योजना बना रहे थे। तभी टीआई ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को चेतावनी दी, उन्हें टॉर्च की रोशनी में घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इस धरपकड़ में कोतवाली की टीम की प्रशंसनीय भूमिका रही है। वहीं एसपी रघुवंश भदौरिया द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की बात भी कही गई है। किस मामले में पकड़े गए? यह डकैती की तैयारी की योजना बना रहे थे और पुराने आतंक अपराधी हैं। इन पर कई चोरी के प्रकरण पुराने पंजीबद्ध हैं और काफ़ी दिनों से ये लोग हरकत कर रहे थे। और कल अचानक सूचना मिली गश्त के दौरान कि ये लोग डकैती की तैयारी बना रहे हैं, कहीं डकैती डाल सकते हैं। इस पर से तत्काल घेराबंदी करके और दबिश डाली गई। ये 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से एक पिस्टल, एक कट्टा 315 वोल्ट का और एक चाकू, रस्सा और अन्य सामान बरामद हुआ। अभी कितनी बार रात कबूल की हैं और भी पूछताछ कर रहे हैं। पुराने शातिर चोर हैं। किस तरह की चोरियां करते थे कुछ बताया? ये घरों में घुस के, सूने घर में, कभी बरसात का फायदा उठा के दूसरे घरों में और जाके चोरियां कर लेते हैं और काफी दिनों से बच रहे थे। संख्या में कितनी है? ये 6 लोग पकड़े।